नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान पर। ऑल इज वेल बाय डॉक्टर स्नेह देसाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें विक्ट्री ज्ञान के साथ। अध्याय एक, प्रसन्नता, सफलता का शॉर्टकट। कोई भी काम करने के पीछे हमारा वास्तविक उद्देश्य होता है खुशी प्राप्त करना। सच्चाई ये है कि प्रत्येक उद्देश्य के पीछे हमारा असली उद्देश्य खुशी प्राप्त करना होता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रसन्नता या खुशी सफलता, धन संबंधों और अच्छे स्वास्थ्य से आती है, लेकिन ये सच नहीं है। सफलता, धन संबंध और स्वास्थ्य खुशी के कारण आते हैं, इसके उलट नहीं। जब आप खुश होते हैं तो आप अपने कार्यस्थल पर सही निर्णय लेते हैं, जिससे आपको और अधिक सफलता मिलती है। जब आप खुश होते हैं तो काम में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, जिससे आपको अधिक पैसे मिलते हैं। जब आप खुश होते हैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे आपके संबंध बेहतर होते हैं। और अंत में जब आप खुश होते हैं तो तनाव व चिंता से दूर रहते हैं और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। मैंने हर सफल व्यक्ति को खुश नहीं देखा है, लेकिन ये देखा है कि जो लोग खुश रहते हैं और उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। अब ये कैसे संभव है, आइए पता करें। आप वे सभी चीजें पाने के अधिकारी हैं जो आप पाना चाहते हैं। वे सभी चीजें जो आपको खुशी देती हैं, आपका जीवन, प्यार, देखभाल, मस्ती, जोखिम, विलासित और उन सभी चीजों से परिपूर्ण होना चाहिए जो आपको पसंद है। और ये सब खुशी की ताकत से संभव है। यह शक्ति क्या है, मैं नहीं बता सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसका अस्तित्व है। ये शब्द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा कहे गए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपके पास क्या है और क्या नहीं है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप सिर्फ खुशी महसूस करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि अचानक आपकी मुलाकात सही लोगों से होने लगेगी और आपकी कार्य योजनाओं की परिस्थितियाँ अपने आप ही अनुकूल होने लगेंगी। लेकिन ये कैसे होता है? जब हम खुश होते हैं तो ऐसे लोगों, चीजों, घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमें और अधिक खुश करती है। आइए इस दिलचस्प स्थिति के बारे में और अधिक जानें। ये असाधारण घटना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियमों में से एक द्वारा नियंत्रित होती है। हमने स्कूल में न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में सीखा कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक इसे कर्म कहते हैं, जिसका अर्थ है कारण और प्रभाव का नियम। हमने अपने माता पिता से बहुत छोटी उम्र में सीखा था कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। हमारे माता पिता, गुरुजन और वैज्ञानिक सबने हमें एक बहुत ही अद्भुत बात समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम कभी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। ब्रह्मांड जिस नियम से काम करता है वह यह है कि जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। अब जबकि आप प्रकृति के इस नियम को जान गए हैं, आपके अनुसार आप दुखी, क्रोधित और सेल्फिश महसूस करने पर किस प्रकार के लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे? स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से आप और अधिक दुख, क्रोध और सेल्फिश या और कोई नकारात्मक भावना आकर्षित करेंगे। जब निराश महसूस करना आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है तो आप किस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? जब आप दुखी महसूस करते हैं तो आपके पास दुख लौट कर आता है और दुख की भावना को बाहर निकालने से दुखद परिस्थितियां बनती है। दूसरी ओर जब आप खुश होते हैं तो आप खुशी देते हैं और सुखद परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपना कार्य पूरे उत्साह और सन्न मन के साथ करते हैं तो आपके पास क्या लौट कर आता है? आपको अन्य बेहतर अवसर मिलते हैं जो आपको और अधिक प्रसन्न व सफल बनाते हैं। हम खुशी महसूस करते हैं जब हम प्यार करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, हंसते हैं, किसी के साथ अपनी मुस्कान बांटते हैं, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है और जब हम जीत हासिल करते हैं। इसलिए ऐसे उत्पादक काम अधिक से अधिक करने का प्रयास करते रहें। आपके पास जो भी है और आप जहाँ भी हैं उससे प्रसन्न व संतुष्ट रहने का प्रयास करें। अपना सर्वश्रेष्ठ दे और प्रचुरता अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। आमतौर पर हम असफलता की चिंता करते हैं लेकिन बदले में सफलता की अपेक्षा करते हैं। हम नफरत करते हैं लेकिन बदले में प्यार की अपेक्षा करते हैं, और डरते हैं लेकिन बदले में खुशी की अपेक्षा करते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? जब हम अपना अधिकांश समय चिंता, नफरत और डर में बिताते हैं तो ब्रह्मांड उसका कई गुना हमें लौटा देता है, और फिर भी हम ईश्वर को दोष देते हैं। क्या ये बेतुकी सी बात नहीं है?
यदि आप खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, दुखी और असफल महसूस कर रहे हैं, तो इस समय आप अपनी सोच के माध्यम से अपने लिए एक असफल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कड़े परिश्रम से भी अधिक जिस बात से फर्क पड़ता है वह है आपका सोचने का तरीका। आप चाहे जितना कड़ा परिश्रम करें, यदि आप अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इतने अधिक परिश्रम के बाद भी जीवन से कुछ नहीं मिलता, तो ये आपके लिए चेतावनी है कि आप अपने सोचने के तरीके और भावनाओं के बैरोमीटर को जांच लें। खुद से पूछें कि दिन भर आप कैसा महसूस करते हैं। आप सिर्फ ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके पास ऐसी ही संभावनाएं और भावनाएं ले आएंगी। हम दुखी कब होते हैं? जब हम नाराज, शर्मिंदा, अकेले होते हैं या कोई हमें धोखा देता है। दीजिए और वह आपको वापस दिया जाएगा, क्योंकि आपके मापदंड के स्तर से वह बदले में आपके लिए मापा जाएगा। ये शब्द जीसस क्राइस्ट द्वारा कहे गए हैं। आपके पास जो भी है और आप जहाँ भी हैं, यदि आप उससे खुश हैं तो आप अपने सोचने का तरीका बदलकर सरलता से अपना जीवन बदल रहे हैं। यदि आप जो चाहते हैं वह खुशी, शांति, प्यार और दोस्ती है, तो आपको खुश, शांत, प्रेमपूर्ण और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग इस अनंत भ्रांति में जीते हैं कि जब हम वह सब प्राप्त कर लेंगे जो हम चाहते हैं तो हम खुश रहेंगे। क्या हम ऐसा नहीं सोचते कि जब हम 10 किलो वजन कम कर लेंगे, या जब हमें हमारा जीवन साथी मिल जाएगा, या जब हम कुछ लाख रुपए कमा लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, और अंत में क्या होता है? अक्सर हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और जो हमें मिलता है उससे हम खुश नहीं होते। इस प्रकार हम लगातार असंतुष्ट होते रहते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं या चमड़ी पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी हम किस्मत के आगे हथियार डाल देते हैं और सोच लेते हैं कि ये हमारी नियति है। लेकिन ब्रह्मांड इस तरीके से काम नहीं करता। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के लिए हमें पहले बिना कुछ पाए भी खुश रहना होगा, और फिर चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। सच ये है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम इसी समय, इस वर्तमान पल में खुश रहना आरंभ करते हैं। प्रसन्नता स्पष्ट रूप से इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। तुमसे बेहतर भविष्यवक्ता और कोई नहीं है, तुमसे बुरा विनाशक और कोई नहीं है, ये शब्द वेणु स्वामी नैनी द्वारा कहे गए हैं। अध्याय 2, प्रसन्नता चिपकू व्यापार है। जो कुछ आपको खुश करता है आप उससे जुड़ जाते हैं। जब आप खुश होते हैं तो हर वह चीज जो आपको खुश करती है आपसे चिपक जाती है, चाहे वह कोई संबंध हो, पैसा हो, सफलता हो या अच्छा स्वास्थ्य है। कैसे? हम सब में प्राकृतिक चुंबक है, और हम वह करते हैं जो चुंबक करती है, अर्थात खींचते हैं और आकर्षित करते हैं। हमारे विचारों और भावनाओं में चुंबकीय आवृत्ति होती है, और हम अपनी भावनाओं से अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। इसे ओरा इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड भी कहते हैं। यदि आप प्रसन्न होते हैं तो आप एक सकारात्मक फ्रिक्वेंसी से घिर जाते, और हर वह सकारात्मक चीज जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मेल खाती है वह आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। आप प्रसन्नता महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक चुंबकीय शक्ति बाहर भेजते हैं और अपने चारों ओर एक सकारात्मक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। आप ऐसे लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो सकारात्मक फ्रिक्वेंसी में है। इसी प्रकार जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप नकारात्मक चुंबकीय शक्ति बाहर भेजते हैं और अपने चारों ओर नकारात्मक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, और ऐसे नाराज लोगों व परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको और अधिक नाराज, अपराधी, दुखी और कुल मिलाकर अत्यधिक नकारात्मक बना देती हैं। एक सामान्य वास्तविक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपना बिल्कुल नया वाहन इस डर के साथ चलाते हैं कि कहीं उसे हानि न पहुंचे, तो हमेशा उसमें कोई निशान गड्ढा लग जाता है। आप कहते हैं, अब तक मैं अपनी पुरानी व टूटी फूटी कार लापरवाही से चलाता था तो उसमें एक खरोच तक नहीं आई, और आज जब मैं अपनी नई कार चला रहा था तो पता नहीं कहां से एक वाहन आया और बूम, मेरी कीमती कार में इतना बड़ा निशान गड्ढा लग गया। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी कार के नुकसान की संभावना के बारे में सोचकर डरे हुए और चिंतित थे, और आपने बिल्कुल उसी चीज को आकर्षित किया जो आप मन में सोच रहे थे। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे सुबह के समय परेशान हो जाने पर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, देर से दफ्तर पहुंचते हैं, जरूरी फाइल घर पर भूल जाते हैं, दिन भर आपकी मुलाकात नाराज लोगों से होती है, और शाम को घर लौटते समय आपकी कार का टायर पंचर हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वे नकारात्मक भावनाएं
जिनसे आपने दिन की शुरुआत की थी, नकारात्मक लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करती है, जो आपके जीवन में और अधिक नकारात्मकता लाती है, सूत समेत। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप सिर्फ अपनी भावनाएं और प्रकृति बदल कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप सिर्फ अच्छा महसूस करके, सिर्फ अपने वर्तमान में प्रसन्नता महसूस करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। भावनाओं में परिवर्तन नीति में परिवर्तन होता है, ये शब्द वेविल गोडार्ड द्वारा कहे गए हैं। आपकी भावनाएं आपका ईश्वर है, ये शब्द चाणक्य द्वारा कहे गए हैं। जब आप अपने सोचने का तरीका बदल लेते हैं तो बदलावों को तुरंत आकर्षित करने लगते हैं, और वह भी हर बार। हम अपने आप से यह झूठ न बोले कि भावनाएं हमारे पास किसी दूसरे ग्रह से आती हैं और हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। भावनाएं विचारों से उत्पन्न होती हैं। यदि हम उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बात करते रहेंगे जो हमारे जीवन में काम नहीं कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे। इसके विपरीत उस समय बुरा महसूस करना असंभव होगा जब आप अपने जीवन में हो रही अच्छी बातों के बारे में और अपने जीवन में शामिल लोगों की अच्छी लगने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम में से कोई भी पूर्णतः दोष रहित नहीं है, लेकिन होशियार और प्रसन्न लोग अपने जीवन की सब अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी ओर अधिक खुशी आकर्षित करते हैं। याद रखें, हम अपने जीवन का निर्माण अपने विचारों और अपनी भावनाओं से करते हैं। अपने कार्य में और अपने आसपास के लोगों में मौजूद पसंद करने योग्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें, उनसे नफरत कभी न करें, क्योंकि हर व्यक्ति में और हर चीज़ में स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। जिस प्रकार जंक फूड स्वाद में अच्छा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, उसी प्रकार हम सबके अंदर कुछ नकारात्मक चीज़ें होने के बावजूद कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अपने साथी की सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें और उस देखभाल, समर्थन और सहायता के लिए आभारी महसूस करें जो आपको सबसे अधिक आवश्यकता के समय उनसे मिलती है, बजाय उन कुछ अवसरों के लिए उनसे नाराज होने के जब वे आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए, और या उनकी कुछ कमजोरियों के लिए उनसे नफरत करने के, जो सभी मनुष्यों में होती है। हारे हुए लोग हर उस चीज के बारे में शिकायत करते हैं जो उनके जीवन में नहीं है, जब तक कि वह सब भी नहीं खो देते जो उनके पास है। हम या तो अपने आप को प्रसन्न बनाते हैं या दुखी, काम की मात्रा उतनी ही होती है, ये शब्द कार्लोस कास्तानेदा द्वारा कहे गए हैं। खुशी और सफलता। खुशी सफलता का शॉर्टकट है। ये आवश्यक नहीं है कि हर सफल व्यक्ति खुश हो, लेकिन मैंने खुश लोगों को सहज और निश्चित भाव से सफलता की ओर बढ़ते देखा है। हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं। आपके अनुसार आप किन चीज़ों को आकर्षित करते हैं? अपराधी, व्यथित, क्रोधित, भयभीत महसूस करते हैं। निश्चित रूप से ढेर सारी नकारात्मकता आपको जीवन में अपनी सभी इच्छित चीज़ें न मिल पाने का कारण क्या हो सकता है? ये नहीं है कि आप उन्हें पाने के लिए बहुत बेताब नहीं थे, ये नहीं है कि आपने उन्हें पाने की पर्याप्त कोशिश नहीं की, ये नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, ये भी नहीं है कि आपका भाग्य और किस्मत आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण हो सकता है आपका दुख, क्रोध, ऐश्वर्य और डर जैसी भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रखना, जो आपको खुश, आनंदित और सफल बनाने वाली परिस्थितियों और चीज़ों को आकर्षित करने से रोकता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप रास्ते की तमाम बाधाओं के बावजूद सफल जीवन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर आसानी से और तेजी से बढ़ते हैं। अब जबकि आप जानते हैं कि अच्छा महसूस करके आप सफलता को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, तो जहां तक संभव हो शिकायत करने और दुखी महसूस करने से बचें। और सच्चाई ये है कि अधिकतर ये संभव होता है। आपको अपना स्वप्न जैसा जीवन प्राप्त करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सिर्फ दुख, ईश्वर्य जैसी भावनाएं, हमारे गहरे जख्म हमें सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने से रोक सकते हैं। वास्तव में धरती पर जीवन उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बुरा महसूस करके और नकारात्मकता को आकर्षित करके हम ब्रह्मांड द्वारा दी गई तमाम अच्छी चीज़ों को अपने पास आने से रोककर अपना जीवन मुश्किल बना लेते हैं, और अनेक अनचाही भावनाओं को अपने अंदर जमा करके हम खुद के बनाए नरक में रहने पर विवश हो जाते हैं। आसान दिन बीत चुके हैं, अब इस ग्रह पर अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए आपको पर्याप्त रूप से होशियार बनना पड़ेगा, और इस पुस्तक का उद्देश्य इसी बात में आपकी सहायता करना है। ये आपको कठिन समय में खुशी तलाश करने में और नकारात्मक आकर्षण के घेरे में फंसने के बजाय धीरे धीरे सफलता को आकर्षित करने में सहायता करेगी। अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, असली नायक वह है जो खुद की और सफलता के बीच की सभी भावनाओं को, बाधाओं को चेहरे पर निरंतर मुस्कान के साथ पार कर लेता है। आप स्वयं अपने जीवन के नायक बन सकते हैं, जो आप बनने के अधिकारी हैं और जो बनने के लिए आपने जन्म लिया है।
आने वाले 7 दिनों के लिए उन अनपेक्षित प्रतिकूल परिस्थितियों को नोट कर लें जिनका सामना आपने सकारात्मक तरीके से किया और खुश रहें, हालांकि वे आपके पक्ष में नहीं थी।